हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी टेक्निकल रूबेन। सो आज मैं एक और बार आपके लिए लेकर आ चुका हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं HTML5 के टेक्स्ट बेस्ड टैग्स। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप भी इस तरह की प्रोफेशनल लुकिंग डेस्कटॉप आपके लैपटॉप की स्क्रीन को बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ओके, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इंट्रो के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है और आज हम टेक्स्ट रिलेटेड टैग के बारे में जानने वाले हैं। सो हमने कल तक यहाँ पर किया था और मैंने एक मिस्टेक की थी कि डॉक टाइप HTML में एक मिस्टेक हो चुकी थी। सो यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क फिर कैपिटल में डॉक टाइप लिखना है एंड देन आपको HTML लिखना है, जो HTML5 की एक पहचान है। ओके, इस तरह से आपको लिखना है, ये एक नोट कर लीजिए, तभी HTML5 वर्क करेगा। ये एक मिस्टेक की थी, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप बैक में फिर से मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर टाइटल हमने दे दिया था, वो ये रहा है, ब्राउजर में आप देख सकते हैं, ये रहा टाइटल। ओके, सो आज मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ। सबलाइम आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम पी टैग यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर टैग क्रिएट किया, पी किया, और यहाँ पर एक इसकी खास बात देखना, जब हम टैग शुरू करते हैं तो हमको टैग एंड भी करना पड़ता है, लेकिन सबलाइम में क्या होता है, जब हम टैग ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। आप देखना, ये देखा आप लोग, क्लोज ऑटोमेटिकली, इसी तरह से सबलाइम ने कर लिया है सॉफ्टवेयर ने। ओके, सो ये इसकी खास बात है। और अब हम एक डमी पैराग्राफ लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट मिलता है हमें। ओके, अगर हमने इस टाइप का एक डमी पैराग्राफ लिख लिया, और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में मैंने एक ऐड किया है। सो इसमें हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए मैंने ये एक स्टार्टिंग में ये एक लिखा है। उसके बाद ये एक पैराग्राफ बन चुका है। सो इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव हो चुका है। और फिर हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करके आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर इतना बड़ा ये लाइन टू लाइन हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें एंटर नहीं क्लिक किया था। अगर हम एंटर क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरह से लाइन में आएगा। ओके, सो ये एक पैराग्राफ है, इसी ये पी टैग यूज होता है। और उसके बाद हम जानेंगे हेडिंग टैग। कोई भी आर्टिकल या फिर किसी भी पैराग्राफ का हेडिंग देना हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, तो उसके लिए टोटल 6 टैग है हेडिंग के लिए। वो साइज के मुताबिक आप रख सकते हैं, आपको जिस साइज में हेडिंग रखना है उस साइज में आप हेडिंग रख सकते हैं। और इसमें 6 टैग आते हैं, हेडिंग का एच, यानी कि हेडिंग का पहला जो वर्ड आता है एच, उसका उसके यहाँ से ये टैग शुरू होता है। H1 से लेकर H6 तक आपको साइज में मिलेंगे हेडिंग टैग्स। ओके, सो हम सबसे पहले H1 लिखते हैं, H1। ओके, सो यहाँ पर इसको हम एंटर किया और ये क्लोज भी हो चुका है। ओके, और यहाँ पर अब मैं कंट्रोल भी, यहाँ पर टेक्निकल ग्रुप है, मैंने कॉपी कर रखा था। ओके, सो यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी कर दिया, इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ से जाके फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं टेक्निकल ग्रुपेस नाम का एक हेडिंग बन के आ चुका है। इस तरह से आप जिस साइज में आप चाहे उस साइज में हेडिंग कर सकते हैं। सो अब हम H2 की बारी लेते हैं, H2 में देखते हैं क्या होता है। ओके, H2 एंटर, और यहाँ पर फिर से हम कंट्रोल भी टेक्निकल ग्रुपेस, उसको हमने सेव किया। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कंट्रोल आर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल ग्रुप एस, ये बड़ी साइज है, ये मैक्सिमम साइज आप का हेडिंग रख सकते हैं। उसके छोटी सी साइज है टेक्निकल ग्रुप एस, H2 में आ चुके हैं, उससे थोड़ी सी छोटी है। सो इसी तरह से H6 तक साइज सबसे कम हो जाएगी। ओके, सो हम H6 तक लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से मिलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने H1 से लेकर H6 तक मैंने पूरे के पूरे टैग लिख लिए, और सभी में मैंने टेक्निकल रूप से एक ही नाम रखा है, ताकि आप लोगों को सभी में डिफरेंस पता चले क्या क्या सा कौन कौन सा आपको इसमें डिफरेंस मिलेगा। ओके, सो हम इसे सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया इसे, और फिर यहाँ पर आकर फिर से हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर फेरफार नज़र आ रहा है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं H6 जो है वो बहुत ही छोटा सा बन चुका है। पैराग्राफ जितना होता है उससे भी छोटी साइज H6 की है। देखते हैं पैराग्राफ की साइज कहाँ पर होगी, बहुत बढ़िया मैच करेगी। ओके वो हम देख लेते हैं पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर हम देख लेते हैं हाई लिख लेते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पर फिर से हम एक बार पैराग्राफ टैग लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से सॉरी इसमें हम टेक्निकल ग्रुप सेट करते हैं ताकि हम साइज में भी हमें पता चल जाएगा। ओके रेडी, सो अभी से हम सेव कर लेते हैं एंड देखते हैं इसमें कौन सा टैग पैराग्राफ के साइज जितना है। ओके और अब उससे रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं आपको सब कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ऊपर हेडिंग है, इसके नीचे जो वो हेडिंग जो है वो बोल्ड है और जो पैराग्राफ है वो नॉर्मल है। ओके सो यहाँ पर फिर से H2 में और H3 में आप सॉरी पैराग्राफ में आप देख सकते हैं H3 है और फिर पैराग्राफ है। सर मैं मानता हूँ तब तक जो H4 है वो पैराग्राफ की साइज जितना है, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें जो बोल्ड टैग है वो यूज हुआ है, बोल्ड है ये इसलिए। सो ये H4 के जितना पैराग्राफ टैग मैच होता है। ओके सो ये H5 है जो पैराग्राफ टैग में जितनी साइज है उनसे भी छोटा, और ये H6 है वो बहुत ही छोटा आपको नज़र आ रहा है। ओके सो इससे बड़ा तो ये पैराग्राफ टैग है, इसलिए आप H6 या H5 तक आप यूज़ ना करें। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आपको पड़ जाए तो फिर तभी आप यूज़ करें कि आपको इसे यूज़ करना ही पड़ता है। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले कि आपको इसे यूज़ करें तभी आप इसे यूज़ करें, वरना आप इसे यूज़ ना करें। ओके मैं प्रेफर करूँगा H1 जो हेडिंग के लिए बेस्ट है। ओके बट इसमें इन लोगों ने ऑप्शन दिया आपको, जो भी आप चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज हम लोगों ने ये दो टैग लर्न किए हैं और उसमें हमने जो कल एक नोट्स क्रिएट की थी उसी तरह से हम एक नोट क्रिएट करेंगे। ओके सो हमने नोट पैड ओपन किया और इससे हम फाइल ओपन करते हैं हमारी जिसमें हमने नोट्स किया था, कहाँ पर ये रही HTML नोट्स वाली फाइल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल हमने ये चार टैग क्रिएट किए थे और आज हम HTML के टेक्स्ट बेस्ड टैग, और इसमें भी हम एक अंदर एक टैग ऐड करने वाले जिसका नाम है नॉर्मल टैग, एड NORMAL नॉर्मल TAGS नॉर्मल टैग्स। ओके इसके अंदर हम नंबर वन पर डालते हैं पी टैग। ओके पी टैग क्लो ओपन एंड पी टैग क्लोज। ओके नंबर टू पर हम डालते हैं हेड टैग जो कि H1 से H6 तक है। सो हम सारा का सारा नहीं लिखेंगे बट हम सिर्फ में इसमें टैग में ऐसा लिखेंगे कि H1 फिर स्पेस डालेंगे फिर 2 एंड फिर H6। ओके फिर इस टैग को हम क्लोज करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर फिर से टैग ओपन करेंगे, स्लैश डालेंगे H1 स्पेस 2 फिर एक और बार स्पेस फिर यहाँ पर डालेंगे H6। ओके फिर टैग को क्लोज करेंगे। सो ये हमने आज दो टैग डाले हैं। अब आपको H1 टू H6 मैंने ये इस तरह से लिखा ताकि हमको प्रॉपर पता चले कि H1 से H6 आता है और वो H1 से H6 सभी टैग क्लोज भी होते हैं, इसलिए हमने ये इस तरह कर लिया और हमको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े इस तरह की ट्रिक यूज़ की है हमने। ओके सो ये है और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम सभी टैग्स या फिर पैराग्राफ में बोल्ड कैसे कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लिंक किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग कल सीखने वाले यानी कि हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। ओके सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप #AskTK करके पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन हो तो फिर आप #SuggestTK करके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके और ज़्यादा जानकारी के लिए और इस सबलैम को डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करें। ओके सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।